आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा. एक्चुअल थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी तो मैं क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था. आप प्लीज एक बार क्वेश्चन दोहरा दें. ये बच्चों के बारे में है कि अभी ड्यू टू लॉकडाउन इनकी ऑनलाइन स्टडीज ज्यादा हो रही है, जैसे जूम क्लासेस पे स्टडीज हो रही है, तो लाइक 4 से 5 घंटे वो लोग स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो उनकी आंखों में बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो आंखों की हेल्थ के लिए उनको कौन सी एक्सरसाइज बच्चों को करनी चाहिए, और इवन बॉडी पोस्चर के लिए भी क्या उनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि बच्चे क्वेश्चन समझ गया. थैंक यू सो मच रिपीट करने के लिए. एक्चुअल नीरू जी, बिटिया के लिए बेहतर ये होगा कि सुबह सुबह जब ये उठती है तो आईज पे, जैसे मुंह में इसने पानी भर लिया, एक बार सुबह उठने के बाद पूरा मुंह पानी से भर लिया, और बाल्टी में पानी ही रखें, और बंद आंखों पे आप तकरीबन 20 बार इन आंखों पे ऐसे छींटे दें. ये पहला प्रयोग है जो ऐसी स्थिति में हमें शुरू करना होगा. दूसरा, बिटिया के लिए बेहतर है कि वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें ताकि ब्रेन और आईज की पावर बढ़े, ब्रेन और आईज की क्षमता बढ़े, तो इससे आंखों की थकान और आंखों की प्रॉब्लम कम हो जाएगी. तीसरी, आंखों के लिए क्या करें, आईज की एक्सरसाइजेस हैं कुछ, उनका ध्यान दें. वो कम से कम 3 बार करनी होंगी आईज की. बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है जो बच्ची कर सकती है. सिंपल, देखें सामने स्तंभ पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे और स्तंभ को चारों दिशाओं में यूज करना है. नेक ये बिल्कुल आंख यही, नेक यही का यही रहेगा, नेक नहीं हिलेगा, आईज केवल साइड में जा रही है. दोनों बगल ले जाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, दोनों तरफ, फिर ऊपर भी ले जाएंगे यहां से, और नीचे भी लेकर आएंगे, ध्यान देंगे, लेकिन नेक एक जगह स्थिर रहेगा, नेक केवल एक जगह स्थिर रहेगा. गुड, नेक नहीं हिलना है बेटा, आप दोनों साइड भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ, आपको बिल्कुल सामने देखना है, नेक को सामने रखना है, लेकिन आईज को थंब पे रखना है, आपको नेक नहीं हिलाना है. जो मसल्स होती है हमारी आईज के आसपास, उनको बेहतर, उन पे प्रेशर आता है, आईज के मूवमेंट की क्षमता बढ़ती है, आईज ज्यादा देर तक किसी भी काम को करने की स्थिति में बेहतर होती है. आपको नेक नहीं हिला, अगर आपने नेक हिलाया तो फिर आईज का प्रेशर ढीला हो जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज पूरी नहीं कर पाएंगे आप. दूसरा, एक तो ये करना है, दूसरा हमें क्या करना है, शशांक आसन. इधर देखो, वज्रासन में बैठ गए हम यहाँ, और वज्रासन में बैठकर हाथ को सीधा ले आए आगे की तरफ, हाथ को आगे लेकर गए, सीधा ले गए, सीधा सर को लगा ले नीचे, आंखें बंद रखें और यहाँ होल्ड करके रखें. इससे होगा क्या, नॉर्मल ब्रेथ रहेगी, ब्रेथ होल्ड नहीं करना है. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, आंखों की तरफ बढ़ेगा, जिससे ब्रेन और आईज को एक साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो मिलेगा, तो उससे ब्रेन की क्षमता और बेहतर इंप्रूव होगी. ये करना है. आप ध्यान रखिएगा, इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ आप नाड़ी अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप 6 से 10 मिनट कर पाती है रोज, तो आपको बहुत फर्क आएगा. और सिंपल करो बेटा, इधर देखो, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ, वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ वहां से नहीं कर सकते हो, आप सिंपल करो यहां से, बस आप करते जाओ. पूरक रेचक और कुंभक का रेशियो बहुत लंबा ना रखो, छोटे टुकड़ों में करो, आप कर सकते हो. आप, आपकी उम्र क्या है अभी बेटा? 22. शायद क्लियर नहीं हो रही है. मैंने जो कुछ बताया है तकरीबन 9 इयर्स के लिए रिकमेंडेड है, और आई थिंक सो के आप मैं भी 8 इयर्स की हूँ. हाँ, 8 इयर्स हो आप, ठीक है, 8 इयर्स हो आप. अगर 8 इयर्स हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट करो, 5 मिनट काफी है, और इसको टुकड़ों में करना है. फिर जो आपने शशांक आसन, इसको 5 बार करना है, ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, तकरीबन एक काउंटिंग में 10 से 15 सेकेंड ही रखिएगा, वरना ये 1 मिनट तक होल्ड होता है, ठीक है. 15 सेकेंड के 5 सेट आप कर सकते हो, 3 से 5 सेट, इससे आपको फर्क आएगा. मुझे लगता है इतना आपको शुरू करना चाहिए. नीरू जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप आगे कंसर्न कर सकती हैं. हम आगे बढ़कर सीखते हैं नेक्स्ट, आगे के प्राणायाम. जी वेलकम. आगे के प्राणायाम सीखते हैं हम. दो और प्राणायाम सीखेंगे, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम.
भ्रामरी बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत मददगार है, उनका कंसंट्रेशन बेहतर करने में बहुत हेल्पफुल है। भ्रामरी प्राणायाम का एक और इफेक्ट है कि जो आपकी पिनियल ग्लैंड है, जो आपके नींद के हार्मोन्स हैं, वो बेहतर करने में बहुत मदद मिलती है हमें। पिनियल ग्लैंड में जीवन के सारे रहस्य छिपे पड़े हैं। इनफैक्ट हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये पीछे पिनियल ग्लैंड के पास होता है। भ्रामरी प्राणायाम सीखेंगे हम सिंपल तरीके से कैसे कर पाए। देखिए, कान बंद होना महत्वपूर्ण है, आईज क्लोज रहेगी और भंवरे की तरह गुंजन करना है हमें, साउंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं पहले, फिर कान बंद करते हैं ऐसे, आंखें बंद और श्वास छोड़ते हुए साउंड। फिर से लंबी ब्रेथ, फिर से लंबी ब्रेथ 5 times करना है मिनिमम। 5 बार हमें भ्रामरी का साउंड करना है। अगर आप भ्रामरी का साउंड करते हैं तो इतनी पॉजिटिव वेव्स पैदा होती हैं कि कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो अटैक कर सकते हैं, क्रोध का ऐसा पल जो दूर किया जा सकता है, वो आप सिर्फ भ्रामरी से ही दूर कर लेंगे। इतना क्षमतावान है भ्रामरी प्राणायाम, यानी आपकी पॉजिटिव वेव्स इतनी बेहतर होंगी कि कई ऐसे मौके होंगे जहां नेगेटिव जा सकते हैं, वहां पॉजिटिव हो गए और काम हो गया आपका। भ्रामरी प्राणायाम से बच्चों के ब्रेन को विकसित करने में बहुत मदद मिलती है। बच्चों के ब्रेन को पॉजिटिव एनर्जी और उनके ब्रेन का सकारात्मक विकास करने में बहुत हेल्पफुल है भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान रखेंगे, लगातार अभ्यास कर सकते हैं भ्रामरी का, सुबह और शाम दोनों समय। नेक्स्ट उद्गीत प्राणायाम करेंगे हम, ओम चैंटिंग का अभ्यास। ओम चैंटिंग स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है हमारी बॉडी के लिए। ओम चैंटिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करके हम किसी भी तनाव की स्थिति में हैं, बहुत क्रोध फील करते हैं या ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता या नींद पूरी नहीं हो पाती है या नींद नहीं आती है, ऐसी स्थिति में उद्गीत प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपकी आप किसी प्रेयर में या किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं तो आप ओम चैंटिंग करके स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी मंदिर या किसी ऐसी जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है जो कि कोई धर्म या मजहब से रिलेटेड है। योग अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप ओम चैंटिंग से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्रिएट कर पाए तो आप किसी भी मंदिर में वो एनर्जी जो लेने के लिए कोशिश करते हैं हम, उससे कहीं बेहतर योग में हम ओम चैंटिंग से क्रिएट कर सकते हैं। आइए ओम चैंटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे हम। ज्ञान मुद्रा की जरूरत है ओम चैंटिंग के लिए। आपका पद्मासन या अर्ध पद्मासन दोनों ही चलेगा, कोई समस्या नहीं है। पद्मासन लगाकर बैठने से क्या होता है कि स्पाइन नॉर्मली सीधी रहती है, आपको देखना नहीं पड़ता कि स्पाइन सीधी है भी या नहीं। ज्ञान मुद्रा लगा के रखेंगे, आंखें आराम से बंद कर लेंगे, मन शांत और रिलैक्स्ड है, स्पाइन सीधी है, मन प्रसन्न है। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे हम, डीप ब्रेथ, फिर से 5 times हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे बस। Oh.
गीत प्राणायाम 5 बार करा हमने। अब करने के बाद इसकी बारीकियों को समझ लें, जो सुधार संभव है उसे समझ लें। आ उ और मा 3 हिस्सों में बटा हुआ है ओम, तो तीनों की ध्वनियां आनी चाहिए। अगर आप आ को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऊ तो होगा ही होगा, आप ओम चैंटिंग करेंगे तो मा को संभालना जरूरी है। यानी होंठ खोल के जो आप लास्ट में होंठ बंद होना चाहिए और मा का साउंड लगातार तेज होना चाहिए। इस तरह से साउंड जाना चाहिए, यानी मा होंठ बंद करके जैसे ओम भ्रामरी में हम करते थे वैसे होंठ बंद करके लास्ट में जाएगा साउंड। तो आ उ और मा 3 हिस्सों में डिवाइड है ये, जिसे हमें पूरा करना है। लास्ट प्रयास है, छोटा सा मेडिटेशन, सन मेडिटेशन करेंगे हम। सूर्य से ऊर्जा लेने का प्रयोग है सन मेडिटेशन, सूर्य ध्यान योग भी कहते हैं इसको। सन मेडिटेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक संस्कृति का एक रिसर्च है, एक ऊर्जा का प्रयोग है। सूर्य से कैसे ऊर्जा लें उसका प्रयोग है, सनातन संस्कृति कह लें, हिंदुइज्म सीधे तौर पर कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सनातन संस्कृति का ही हिस्सा रहा है सूर्य और सूर्य पे होता हुआ प्रयोग। सन मेडिटेशन में मंत्र की चैंटिंग भी है और सन से और सूर्य से ऊर्जा लेने का भाव भी है। हम एक साथ मिल करके सन मेडिटेशन करेंगे और महसूस करेंगे सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग को। आइए शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा की आवश्यकता है, ज्ञान मुद्रा लगाकर स्पाइन सीधी करके बैठें, आंखें बंद, धीरे धीरे आंखें बंद रखें, जिस तरह गाइडेड है उस तरह से अनुभव करेंगे सन मेडिटेशन को। मन शांत, चित्त शांत, अहंकार शांत, अनुभव करें। प्रातःकालीन स्वर्णिम वेला में बैठे हुए हैं हम, बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। पूरब दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं हम, हमारे सामने आसमान साफ है। प्रातःकालीन स्वर्णिम वेला में बिल्कुल सुबह सुबह के समय में पूरब दिशा में उगता हुआ सूर्य ठीक हमारी आंखों के सामने अब दिख रहा है। सूर्य को महसूस करें, सुबह सुबह का उगता हुआ सूर्य ना तो तेज होता है ना बिल्कुल मध्यम होता है, दिखता है सूर्य लेकिन उसकी रोशनी तेज नहीं होती, देखने योग्य सुंदर सूर्य है। उसी सूर्य से सारी ऊर्जा इस संसार को मिलती है। सूर्य हमारा प्राण है, सूर्य हमारी वाइटल एनर्जी का मुख्य स्रोत है। महसूस करें सूर्य को, सूर्य हमारा जीवन है। जिस तरह से नाभि हमारा जीवन है और नाभि में सूर्य चक्र हमारा जीवन है, उसी तरह बाहर का सूर्य भी हमारे लिए प्राण ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उसी तरह सूर्य हमारा बाहर दिखता सूर्य हमारा जीवन है। सूर्य को महसूस करते हुए हम, उगता हुआ सूर्य ठीक हमारी आंखों के सामने है, महसूस करें, अनुभव करें, बिल्कुल सूर्य हमारी आंखों के सामने है, मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूं, मैं बिल्कुल महसूस कर रही हूं सूर्य को। सूर्य की उष्मा, सूर्य की ऊर्जा रश्मियां हम पर पड़ रही है। चूंकि सूर्य और हमारे बीच में ना तो कोई घर, ना कोई पेड़ पौधा, कोई अवरोध नहीं है, सूर्य बिल्कुल सामने है हमारे, सूर्य की ऊर्जा हम तक सीधी पहुंच रही है, सूर्य से हम बेहतर कनेक्ट हैं। अब मैं और सूर्य, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। महसूस करें बीच में सब कुछ समाप्त है। धीरे धीरे सूर्य में विघटन हो रहा है हमारा अस्तित्व,
सूर्य में विलीन हो रहा है, सूर्य और मैं एक हो रहे हैं, महसूस करें अपने अस्तित्व को, मैं समाप्त हो रहा हूं, महसूस करें अपने अस्तित्व को सूर्य में, महसूस करें मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य की प्रखर चेतना हूं, मैं असीम शक्तिशाली हूं, मुझ में असीम ऊर्जा और चेतना है, सूर्य की चेतना को और ज्यादा महसूस करने के लिए सूर्य का ही मंत्र गायत्री महामंत्र की चैंटिंग बिना आंखें खोले बिना कुछ किए दोहराएंगे। एक साथ गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस हम सब करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। आई थिंक रवि जी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नीता जी के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं, तो नीता जब तक रवि जी हमारे साथ दोबारा जुड़ते हैं, बहुत अच्छा सेशन ले रहे थे वो, लेकिन कोई नहीं, जब जुड़ेंगे तो हम वापस उन्हें ले लेंगे। जिनके जिनके सवाल हैं वो भेजना शुरू करें। मनोज जी को वॉइस दे दीजिए। मनोज जी का सवाल है नीता जी के लिए। मनोज शर्मा, मनोज शर्मा इज नॉट इन द लिस्ट आई थिंक। वो स्वयं पूछना चाहते थे लेकिन अभी वो नहीं है, तो उनके हिस्से से मैं सवाल पूछ लेती हूँ। आ रहे हैं वो? नहीं, ठीक है। नीता जी, मनोज जी का सवाल ये था कि कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ लोगों की काफी डिस्टर्ब हुई है, जो कि हम न्यूज में भी कई बार देखते हैं और आपस में बातचीत करते हुए भी ये बातें सामने आती रहती हैं। तो अब क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग मेंटल डिप्रेशन, लोनलीनेस और बहुत सारी इन तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो आगे आने योगी जी आ गए हैं दोबारा हमारे साथ में। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में छोटा सा डिस्टरबेंस था, मैं वापस अवेलेबल हूँ। तो योगी जी, जब आपका मतलब कनेक्शन कनेक्ट हो गया था, तो हमने नीता जी से कुछ आप लोगों के लिए, कुछ दोनों के लिए ही सवाल आए हुए हैं, तो मैं नीता जी से सवाल कर रही थी। तो सवाल ऐसा था हमारे मनोज जी का, जो है सवाल है कि क्योंकि कोरोना टाइम में जैसे मैंने बताया मेंटल डिप्रेशन, लोनलीनेस ऐसी कई तकलीफों से लोग अब गुजरने लग गए हैं, काफी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी और टाइम जो बहुत कॉम्पिटिटिव अब हो जाएगा, उसके लिए कैसे स्वयं को तैयार किया जाए मेंटली? देखिए, आने वाली चुनौतियां इससे भी ज्यादा मुश्किल पैदा करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपने आप को कितना बेहतर फिट रख सकते हैं, यही सिर्फ एक मात्र उपलब्धि है। और योग में वो सारी संभावनाएं हैं योगा में कि आप अपने आप को बेहतर फिट रख सकें। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं इन चुनौतियों को पार करके, इम्यूनिटी को बूस्ट करके और उस लेवल तक फिट रहने के लिए, देखिए अपनी आदतों पे काम करना होगा। आज के सेशंस में जो कुछ बेसिक चीजें सिखाई गई हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा कि उनको कम से कम रूटीन में ला सकें। एक परफेक्ट सेशन
जिस तरह की चुनौतियां अभी कोविड 19 के चलते आई हैं और आने वाले कल में आने वाली हैं, तो इस पे एक परफेक्ट सेशन भी रख सकते हैं। उसमें समय लगेगा, मैं बता दूं तकरीबन 70-75 मिनट्स लगेगा। जिनको नीड है स्पेशली हम उसका सेशन रख सकते हैं, मैं ऑलरेडी सेशन ले रहा हूं इस तरह का जी। अगर ये सवाल मुझसे ही था तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ बेहतर अपनी तरफ से, जो भी पॉसिबल है। 75 मिनट्स के सेशन में कोविड 19 के अंगेंस्ट एक एक पॉइंट कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को, अपने फिटनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो हम सीख पाएंगे। फिलहाल आज के सेशन के एक एक सीक्वेंस जैसे थे, वो चाहे रूटीन वर्कआउट के वो 5 पोजेज रहे हों, चाहे सर्वाइकल कार्पोरेट की चुनौतियों के सर्वाइकल हीलिंग के पोजेज रहे हों, चाहे प्राणायाम का पक्ष रहा हो, या फिर लास्ट का मेडिटेशन में फिर से दोहरा सकता हूँ, चाहे वो रहा हो, चीजें हैं उनको हमें लगातार बनाए रखना होगा एक बेसिक लेवल पर। पर स्पेशली कोविड 19 की चुनौतियों के लिए एक अधिकतम हमें इससे ज्यादा कहीं समय चाहिए। लोगों के सवाल उससे पहले भी आ सकते हैं, उन सवालों पे भी फोकस करके उनके उनके जवाब के रूप में उनके प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। लेकिन 75 मिनट्स में कोविड 19 की चुनौतियों को मैं अपनी तरफ से संतुष्ट करने का प्रयास जी। ठीक है योगी जी, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे समय में कभी आपसे जुड़े और इस पूरे सेशन को कंडक्ट करा करके लोगों को और हेल्प करा सके। अगला सवाल नीता जी, तो मैं माफी चाहूंगा मेरी तरफ। नहीं देखिए, योग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों मिलकर के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो नीता जी भी इसमें अपना इनपुट जरूर दें। साथ ही साथ नीता आपसे एक सवाल और भी आ रहा है। सवाल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी बढ़ रहा है, उसी का एक कंटिन्यूड क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अब लोनलीनेस बढ़ रही है, मेंटल डिप्रेशन लोगों का बढ़ रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं डेटा ऐसा बता रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी बढ़ रहा है, तो उदयालक्ष्मी जी का एक एडेड क्वेश्चन है कि उसको कैसे टैकल करें घर के अंदर। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस अभी बढ़ते हुए दिख रहा है, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, मगर अभी ज्यादा इसलिए आ रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था शुरुआत में, कि अब जब हम घरों में अपने लोगों के बीच में बंद हैं, ये जो जितने दबे हुए भावनाएं थी, इमोशंस थे, वो सब अभी काफ़ी नेगेटिव तरीके से बाहर आ रहा है। और हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा सोसाइटी ऐसा है कि हम ये सोचते हैं कि अगर गुस्सा है या अंदर कोई आक्रोश है, उसको गुस्से के माध्यम से या अपने से कमजोर के ऊपर हाथ उठा के हम प्रकाश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, सामने वाले को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये हमारी सोच बन चुकी है हमारे समाज में। तो हमें इस सोच से बाहर निकलना है। काफी हद तक हमारे साइकोलॉजी में भी जो डिस्कशंस होते हैं कि काफी हद तक ये दबे हुए भावनाओं की वजह से, जिसे हम सप्रेस्ड इमोशंस बोलते हैं, इनके वजह से काफी एग्रेसिव नेचर बढ़ जाता है, काफी जो आक्रोशित व्यवहार है ये बढ़ जाता है। तो अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी पर्सनली कि ये सही नहीं है, क्योंकि एक इंसान के रूप में किसी और एक इंसान को आप इस तरीके से आप उस पर या तो व्यवहारिक नहीं तो शारीरिक नहीं तो मानसिक अत्याचार करें, ये सही नहीं है एक इंसान के तौर पे। मगर अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो काफ़ी आक्रोशित हो जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के पे उतर आ रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग करने के लिए लेकर जाइए, उनको काउंसलिंग के लिए मनाइए, उनसे बात कीजिए। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अपना शारीरिक बल दिखाते हैं, ऐसा है कि किसी घरों में पुरुष दिखाते हैं, किसी घरों में महिलाएं दिखाती हैं, तो जो अपना शारीरिक बल दिखा के सामने वाले के ऊपर अपना आक्रोश प्रकाश करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। और आप जितने शांत रहेंगे, जितना आप इस चीज को आप सहन करके लेंगे, उनका मनोबल और बढ़ेगा। तो उनके मनोबल को इस व्यवहार के, ये नेगेटिव व्यवहार के लिए ना बढ़ाएं, बढ़ावा ना दें, आप उसका ये करें, विरोध करें। और विरोध मगर करते वक्त एक चीज ध्यान में रखें कि आप खुद आक्रोशित ना हो जाए। आपको काफी पेशेंस से काम करना पड़ेगा, मगर आपको ये भी सामने वाले को बताना पड़ेगा कि इस प्रकार का व्यवहार मानवता के स्तर पर ये सही नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो।
तो ये एक चीज, और उनको फिर आप काउंसलिंग के लिए लेकर जाइए, क्योंकि काफी सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो निकल आ रहे हैं, मगर उनको निकलने का एक सही तरीका, एक जरिया उनको सही तरीके से मिलना जरूरी है, जो हमेशा संभव नहीं होता है कि आप परिवार के अंदर ही बात करके आप उसको निकाल सके सही तरीके से. तो डिस्कशन, काउंसलिंग ये जरूरी है. एक कॉमन सोच है लोगों की, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि, क्योंकि मैं काउंसलिंग के लिए सजेशन दे रही हूँ, आपको किसी भी तरीके का तनाव अगर है, और अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं. हमारे समाज में ये काफी कॉमन सोच है कि आप अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो जरूरी है कि आपका कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है या आप पागल हैं. ऐसा नहीं है. हमारा आज का जो समाज बन चुका है काफी तनाव पूर्वक है, काफी काम का प्रेशर रहता है, घर के कामकाज का प्रेशर रहता है, काफी रिश्तेदारों का प्रेशर रहता है, घर खुद के घर के परिवार वालों का प्रेशर रहता है. ऐसे में दिल हल्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे डॉक्टर योगी रवि जी ने भी कहा कि एक नियमित रूटीन एक होना जितना जरूरी है, आपका शरीर एक काफी स्वस्थ स्थिति में रहना जितना जरूरी है, साथ में एक मानसिक स्थिति भी नियंत्रित रूप में रहना काफी जरूरी होता है, जिसके लिए आपको वो सारी भावनाएं जो अंदर दबी हुई है, खास करके जो नेगेटिव भावनाएं जो है, उनको बाहर निकालना पड़ेगा. तो अगर आप एक काउंसलर के पास जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मानसिक रोग है, मगर वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है. जी, थैंक यू नीता काउंसिल करने के लिए. ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल की सोसाइटी में एक अगर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं तो एक मेंटल टैबू, हम लोग का टैबू है कि शायद पागल है, कुछ ऐसी ही बातें होती हैं. तो अगर ऐसी किसी भी आप बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ अकेलापन है, आपको लग रहा है आप नॉर्मल बिहेवियर में नहीं है, तो प्लीज गो टू अ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जिसकी भी आपको जरूरत है, जरूर बातचीत करें. और बिना बातचीत किए तो ये मुद्दा नहीं सुलझ सकता है. थैंक यू नीता एक बार फिर से बताने के लिए. हम क्योंकि समय से थोड़ा आगे निकल गए हैं तो एक लास्ट सवाल योगी जी के लिए आया है, मैं योगी जी से पूछ लेती हूँ. उसके बाद आप लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, आप चैट बॉक्स में वो लिंक मिलेगा जिसके थ्रू सेशन खत्म होने के बाद अब आप अपने अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. तो योगी जी, आपके लिए जो आखिरी सवाल आया है, इन सारे समय के बीच में जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो है इनसोम्निया. लोग रात में दो दो तीन तीन चार चार बजे तक जग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है. क्या आसन हो सकते हैं, क्या जो है उपाय हो सकते हैं कि लोग सुकून की नींद ले सकें? जब तक सोएंगे नहीं तो आगे का काम करेंगे कैसे? दो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जिनको रेगुलर रखा जाए तो निसंदेह फर्क आना तय है. एक तो भ्रामरी प्राणायाम, जिसको मैंने सिखाया यहाँ से जी, इसको 20 टाइम्स सुबह और शाम को सोने के पहले, 20 टाइम्स मॉर्निंग में और 20 टाइम्स शाम को सोने के पहले, एक तो ये करें. और दूसरा, शुद्ध देसी गाय का घी या फिर बादाम का तेल, जो भी अवेलेबल हो, सोने से पहले नाक में दो दो बूंद डालें, तलवों में पैर के मालिश भी कर लें. अगर इतना भर करते हैं तो एक बेसिक तय है कि फर्क आना है. एक बेसिक एक्सपीरियंस है, एक बेसिक प्रयोग है जिसको हम रेगुलर करके, ये बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल टेक्निक बताई है, अगर इतना कर लिया जाए तब भी नींद को प्रभावित किया जा सकता है, बेहतर नींद के लिए हम जा सकते हैं. सिर्फ इतने भर प्रयोग से खर्राटे आने की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे सॉल्व होनी तय है. इसका रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है. अब इसके बाद सोनाक्षी जी, डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप को प्रॉब्लम आ रही है. जिनको प्रॉब्लम है उनको और कोई प्रॉब्लम और किसी प्रॉब्लम की वजह से तो नींद नहीं आ रही है. ये प्रॉब्लम जो मैंने दो सॉल्यूशंस बताए हैं, किसी भी वजह से नींद नहीं आ रही है, हम इस प्रयोग से नींद लाने में कहीं बेहतर और कहीं आगे जा सकते हैं नींद को बेहतर करने में. ये महत्वपूर्ण है कि इसको रेगुलर करें. इसके बाद केवल स्पेसिफिक सिचुएशन देख करके ही गाइड प्रिस्क्रिप्शंस और गाइडलाइंस क्रिएट की जा सकती हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, पर ये दोनों हर जगह कॉमन है, इनका यूज जरूर करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा.
थैंक यू योगी जी, रवि जी, आपका और नीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद. आपके साथ, दोनों के साथ बिताए हुए कुछ समय से ही हम लोगों के अंदर, आई एम श्योर सभी को ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि काफी लाइट फील कर रहे हैं, एनर्जी भी आ गई है. कम से कम आज का दिन तो हम अपना बहुत अच्छे से बिताएंगे, और हो सके तो आप सभी जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, अपने आसपास के कम से कम 5 लोगों को और सिखाइएगा. सेशन को समाप्ति करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी नीलम मैडम को अपने क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ. हम सेशन को खत्म करेंगे, साथ ही मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए लिंक भी भेज रही हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा. नीलम मैम. योगी रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं. नीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था योगी जी, अगर मैं पूछूं एक सेकंड के लिए, कपालभाती के विषय में. कपालभाती के विषय में आपने कहा 6 मिनट तक करना चाहिए या 15 मिनट तक आइडियली हमको करना चाहिए, तो इसमें आप थोड़ा सा ये गाइड कर सकते हैं कि कितने समय तक लगातार जो एक बीच बीच में सीक्वेंस बनानी पड़ती है, या आपको लगता है 6 मिनट तक लगातार कर लेना चाहिए, या गैप जो लेना चाहिए वो कितना होना चाहिए आइडियली? मैंने प्रैक्टिस में तो 20-20 के 3 कराए हैं जी, वो नहीं. हाँ, एडवांस में अगर करना है एडवांस लेवल पर, तो क्या 15 मिनट मेडिकली प्रूव्ड, 15 मिनट कपालभाती का प्रयोग मेडिकली प्रूव्ड है कि आपको प्रभाव आना ही है? नहीं, 15 मिनट क्या बिल्कुल लगातार करना है या गैप देना है बीच में, ये मेरा कहने का मतलब. हाँ, आपका सवाल बिल्कुल ठीक था. देखिए, 20-20 के 3 की प्रैक्टिस शुरू करके हम 3 मिनट तक जा सकते हैं जी, और 3 मिनट तक जब आराम से होने लगेगा तब वो 5 मिनट तक चला जाएगा. और जब 5 मिनट चला जाएगा, ध्यान देंगे सीक्वेंस कैसे है, 20-20 की 3 की प्रैक्टिस जब आराम से होने लगे, 2-3 दिन 4 दिन में आराम से होने लगे, तो फिर आप 3 मिनट तक ले जाइए टाइमर लगा के. 3 मिनट तक जब पहुंच जाएंगी, आराम से 3 मिनट होने लगेगा, तब आप 5 मिनट करने की कोशिश करिए. वो 4 नहीं 5 मिनट आराम से हो जाना है. जब 5 मिनट आपका आराम से होने लगेगा, तब 6 मिनट भी आराम से हो जाएगा. यही सीक्वेंस है 6 मिनट पहुंचने का. और जब आप 6 मिनट तक आराम से करने लगेंगी, तब वो धीरे धीरे करके 15 मिनट की तरफ बढ़ पाएंगी. मैंने एक आजकल के COVID-19 और चुनौतियों के बीच में कपालभाति का एक वो आदर्श दिखाया कि अगर वो 15 मिनट हो रहा है नीलम जी, तो वो मेडिकली आप अपने आप को हील कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तब भी अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं कपालभाति, तो आपकी ब्रेथनेस को बहुत मदद मिलेगी. उसमें आपकी कमी आएगी, बहुत कमी आएगी उसमें, मतलब आप उसमें बहुत सुकून फील करने वाले. आपने बहुत अच्छी बातें बताई. दूसरा, मुझे आज ये लगा कि आज सूर्य ग्रहण भी था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह ये प्राणायाम किए, योगा किया, अच्छी बातें भी की. मुझे लगता है कि सूर्य ग्रहण ऐसा समय होता है जबकि हम अपने अंदर से अपने आप को उज्ज्वलित करते हैं, बजाय बाहर की रोशनी जब कम हो जाती है तो अंदर की रोशनी हमें बढ़ानी चाहिए. तो आपने, दोनों ने मिलकर हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया और बहुत अच्छी बातें बताई. और मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आपका जो बीच में कनेक्शन चला गया, उस समय इतनी ऊर्जा थी, उस समय हो गए थे, ऐसे लग रहा है कि कुछ कमी हो गई है. वो सेशन अगर आप 2 मिनट दोबारा कर दें, जो सूर्य वाला आपने साधना किया था और जो गायत्री मंत्र आप कर रहे थे, 2 मिनट जरूर. वो बीच में मुझे लग रहा है कि हमारा ब्रेक आने से ना एक अधूरापन लग रहा है. क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ पंकज जी से कि हम सबकी वॉइस ऑन कर दें ताकि हम सभी गायत्री मंत्र पढ़ें? वो भी कर सकते हैं, नहीं तो योगी जी भी बेशक करें, पर जो अधूरा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हम वापस मेडिटेशन को करते हैं, बिल्कुल अभी हम वापस शुरू करते हैं मेडिटेशन. थैंक यू. आप सभी अपनी वॉइस ऑन कर सकते हैं, हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे. ज्ञान मुद्रा में आते हुए चावड़ को कमर सीधी, आराम से बिल्कुल सुखासन की स्थिति में बैठें. जिस स्थिति में सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, बस कमर सीधी, स्पाइन सीधी रखें बिल्कुल, मन शांत, चित शांत, अहंकार शांत.
अंदर से शांति, आनंद, शांति, आनंद अनुभव करें। प्रातःकालीन स्वर्णिम वेला है, बिल्कुल सुबह सुबह का समय है, सूर्योदय का समय है, बादल सामने मुंह करके, सूर्य की तरफ मुंह करके, दिशा में दूर क्षितिज पे उगता हुआ सूर्य, बिल्कुल उगता हुआ सूर्य, देखने योग्य सुंदर सूर्य, मोहक सूर्य, सूर्य की वो स्थिति जिसे हम देखना चाहते हैं, जिसे हम अपलक देखना चाहते हैं, बस जिसे हम महसूस करना चाहते हैं, वो सूर्य इस वक्त ठीक हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। महसूस करें किसी प्रकार का बीच में कोई अवरोध नहीं है, ना कोई वृक्ष है, ना कोई घर है, कोई भी अवरोध नहीं है। मैं और सूर्य ठीक एक दूसरे के सामने, उगते हुए सूर्य की ऊर्जा रश्मियों को, उनकी किरणों को हम सीधा अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। सूर्य हमारा प्राण है, ठीक उसी तरह जैसे नाभि, नाभि में सूर्य चक्र है, सोलर प्लेक्सस, जो हमारे वेसल मेटाबॉलिक रेट, जठराग्नि, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ सूर्य है। जो सूर्य हमारा जीवन है हमारी नाभि में, वही सूर्य बाहर प्राण प्रदाता है, वही सूर्य हमारा जीवन है बाहर। उस जीवनदाता को, अपने उस जीवन को महसूस करें, सूर्य को महसूस करें, सूर्य की ऊर्जा रश्मियां आपके अस्तित्व का अनंत है। सूर्य आपकी अनंत जन्मों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण याददाश्त है। सूर्य, अगर हम सूर्य की चेतना से जुड़ पाए तो हम अपने पुरानी यात्राओं के कुछ घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। अगर हम सूर्य से जुड़ पाए तो अपनी चेतना में इतनी ऊर्जा और प्रखरता होगी, इतने मजबूत होंगे हम कि हम माइनस 50 डिग्री तक या 50-60 डिग्री तक, यानी अधिकतम ठंड और अधिकतम गर्मी में भी काम कर सकते हैं। सूर्य की चेतना हमारे प्राण का उत्सर्ग है। महसूस करें सूर्य को, सूर्य हमारे अंदर घुलता हुआ, और हम महसूस करें अपने अस्तित्व का विघटन सूर्य में होता हुआ। नीचे लगा दो, फिर गिनती कर ले। हमारा रोम रोम सूर्य में समाहित हो रहा है, हमारा रोम रोम सूर्य में घुल रहा है। तपते हुए सूर्य में नहीं, उगते हुए सूर्य में, सूर्य की चेतना में समाहित हो रहे हैं हम। मैं और सूर्य एक हो रहे हैं। अपने आप को सूर्य में समाहित कुछ पल के लिए शून्य महसूस करें, अपने आप को कुछ पल के लिए मुक्त महसूस करें। आपका अस्तित्व ही नहीं है, कुछ समय के लिए अस्तित्व विहीन रहेंगे, मुक्त रहें, शून्य रहें। उसी सूर्य का मंत्र, गायत्री महामंत्र, जो सूर्य और हमारे बीच का सेतु है, जो सूर्य की चेतना को हमारे अंदर और अधिक प्रखरता के साथ प्रकाशित करता है। आइए उसी सूर्य के मंत्र की चैंटिंग, उसी गायत्री महामंत्र का वाइब्रेशन हम अपने अंदर महसूस करें। एक साथ गायत्री मंत्र चैंटिंग आइए शुरू करें।
हम सभी एक साथ करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम मुद्रा में आते हुए हमारे साथ छोटी सी प्रार्थना दो पंक्ति की दोहराएंगे। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आनो भद्रा कृत्वा यन्तु विश्वतः सद्विचार सभी दिशाओं से हमारी तरफ आए आरोग्य प्रदान करें। ओम शांति 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 ओम शांति। सूर्य की चेतना से वापस आते हुए अपने अस्तित्व में महसूस करें स्वयं को, कहीं अधिक हल्कापन, कहीं अधिक ऊर्जावान, कहीं अधिक उत्साहित चित मन और कहीं अधिक क्षमता के साथ हम सूर्य ध्यान योग से लौटे हैं। सूर्य सन मेडिटेशन से वापस आए हैं। हथेलियों को गर्म करेंगे। पालों के ऊपर से हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए I'm with the closing remark. We can close the session. बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक लॉजिकल कंक्लूजन आ गया, क्योंकि वो जो मेडिटेशन जो चल रही थी उसका अधूरा रह जाना थोड़ा अपने आप में अखर रहा था बहुत। और मैं समझती हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया वापस हाँ से सीखने की कोशिश करने। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ बेहतर अगर मैं दे पाया तो मेरा ये सौभाग्य है। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी था कि इसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लाए, और जो मेडिटेशन आपने शुरू करवाया था उसका अधूरापन नहीं तो अंदर अंदर सबको लगता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस सूर्य ग्रहण के दिन इस प्रकार से अच्छी बातें भी कर पाए और मेडिटेशन भी कर पाए, और इसका मुझे लगता है कि सभी को लाभ बहुत ज्यादा मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। और मैं इसके साथ ही नीता जी आपका धन्यवाद, योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी जितने हमारे साथी, जितने हमारे आरो के साथी और बाहर के
जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आशा करती हूँ उन्हें इस सेशन से लाभ हुआ होगा। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर खूबसूरत ये सेशन हमारा हुआ है, आप लोग अपना फीडबैक लिखिएगा। सभी लोगों का फीडबैक हम अगर देखेंगे कि इस प्रकार के सेशंस का सभी लोग और चाहते हैं कि भविष्य में हम ऐसे सेशंस करें और इससे सभी को अधिक लाभ हो, तो हम फिर से ये सेशन करेंगे। और हम नीता जी और योगी जी से अनुरोध भी करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे सेशन लें जिससे कि हम अपने अपने पर्सनालिटी में और इस प्रकार की चीजों को ग्रहण कर पाए और आगे विकास विकास भी कर पाए। जैसे योगा है, हम अलग अलग लेवल्स पे ऊपर जा पाए और योगा और प्राणायाम को अपने अंदर पूरी तरह से ढाल पाए। तो आप लोगों का फीडबैक जरूरी है, अगर आप सब लोग चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से इन सेशंस को हम एक रूटीन वे में लेकर आए और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हम सबको इन चीजों की दे पाए। फिर से सभी का धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा इस COVID-19 के दौर में योग के माध्यम से जरूर पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरोह फाउंडेशन को, नीलम जी आपको, आप सभी ने हमें मौका दिया। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे साथ टोरंटो से आतिफ खान जी जुड़े हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लिंक्डइन पर उन्होंने हमारा ये इनविटेशन या कार्यक्रम के बारे में सूचना देखी थी और उनके वहाँ रात है, रात के 2:30 शायद बजे हैं और उन्होंने हमारे साथ यह मेडिटेशन भी किया है और पूरा सेशन अटेंड किया है। मैं चाहूंगी दो शब्द अगर आतिफ जी, अगर आप कैमरा पर आकर कहना चाहते हैं बहुत अच्छा लगेगा हम सबको कि कहां से हम कहां तार जोड़ रहे हैं। आतिफ जी को जरा सोनाक्षी जोड़िए अगर वो कुछ कहना चाहे तो। जी मैम वो आ चुके हैं। जी आतिफ जी बोलिए। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू नीलम, थैंक यू योगी रवि जी एंड आरओ फाउंडेशन। इट वाज अमेजिंग सेशन। आई लर्नड अ लॉट एंड आई फेल्ट लाइक रियली आई एम सीइंग द सन in the morning here, though it is अभी रात के 2 बजे हैं, लेकिन किन से पूछ रहा हूँ, इंसोम्निया नहीं था लेकिन मैं जागा रात को सेशन के लिए। बहुत बहुत निसंदेह हृदयपूर्ण धन्यवाद आपको जी। इससे हम लोगों का भी बहुत उत्साह बढ़ता है कि दूर दूर से जब लोग जुड़ते हैं, और आप भी आतिफ जी अगर हमें फीडबैक दे और लिखे तो इस प्रकार के हम लोग और सेशंस कर सके और स्टेप बाय स्टेप। अभी तो क्योंकि योगी जी ने थोड़ा बहुत सारी चीजों के साथ हमें इंट्रोडक्शन के तरह से किया है, लेकिन हर चीज में इतना गहराई है, इतनी डेप्थ है इन चीजों में कि अगर हम सब लोग मिलकर उन चीजों को और गहराई से समझ सके तो हमें उसका लाभ और अधिक होगा। तो सबका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बिल्कुल श्योर, फीडबैक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। जरा पीछे लेना, ठीक है। हेलो, आप लोग अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे जो लिंक दिया है हम लोगों ने चैट पे, वहां से प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे आप अपना फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हैं। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे।
Thank you so much everyone for joining this meeting.